हेलो एवरीवन। तो अभी क्या है कि लंच टाइम चल रहा है, क्योंकि 1 से 2 हमारा लंच टाइम रहता है। तो मैं देख रहा था कि सब लोग तो जा चुके हैं, सारे फ्लोर्स पे सारे बच्चे ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल करने के लिए लगे रहते हैं, लंच करने गए। लेकिन एक बैच मेरे को ऐसा लग रहा है जो खाना पीना भूल के सब कुछ उसके दिमाग में क्या चलता है, मैं कैसे सीखूं कैसे सीखूं कैसे सीखूं। तो ये BS6 पे लगा हुआ है, BS6 एक्टिवा पर सुबह 9-10 बजे आ जाते हैं, शाम को 6-7 बजे तक रहते हैं। अब मैं इनके पास लेकर चलता हूँ नीचे। देखिए अभी ये बज रहे हैं आपके 1:30। इनसे पूछते हैं कि कब से लग रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, BS6 में क्या समझ रहे हैं। लंच टाइम है, कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जुनून देखिए, जज्बा देखिए। खुद से करना है, खुद से सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है। BS6 का जमाना है, दिमाग में डाल लो। BS6 गाड़िया से भरा हुआ सेंटर, चाहे बुलेट हो, दो दो स्प्लेंडर है, दो दो एक्टिवा है, दो दो KTM है, TVS की गाड़ी है, BS6 10 गाड़ी है BS6 मेरे पास। ऐसी ट्रेनिंग करनी है और सुबह शाम रात दिन टाइम भूल के ट्रेनिंग करनी है, तो एक ही जगह है, बाबा ऑटोमोबाइल। चलता हूँ, लेके चलता हूँ, बताता हूँ क्या कर रहे हैं ये लोग। तो अभी ये मैं आपको दिखा रहा था ऊपर, ये कि भाई ये लग रहे थे। पहले तो ये बताओ लंच करने क्यों नहीं गए? गए थे लंच करने, सब जल्दी आ गए थे, 1 बजे ही आ गए। अच्छा, क्या करेंगे, लंच करके फटाफट आ गए 5-10 मिनट में। थोड़ा सा एडवांस मतलब समझ आ जाएगा ना, तो इसलिए। अरे था, क्या क्या सीखा इसमें अभी, क्या क्या सीख रहे हो? BS6 है, BS4 है ये? BS4 खोली थी? BS4 भी खोल के वो पैक कर चुके थे, उसको चालू करके छोड़ दिया था। BS4 में क्या क्या किया था? BS4 को खोल के उसको पूरा इंजन डिसेंबल किया था, बॉडी पूरा डिसेंबल, रिंग पिस्टन हेड कैम क्रैंक वाल वाल A to Z पूरा चेसिस नंगा कर दिया था। क्या चेसिस? मतलब चेसिस में 10 नट लगे तो 1 भी नट नहीं लगा था, सब निकाल दिया था, बिल्कुल चेसिस नंगा हो गया था। उसका वीडियो तो पहले आपने, हाँ वीडियो डाला, सबने किया था, पूरा खोल कर रख दिया, फिट करके आपने स्टार्ट किया, ट्रेंडर ने स्टार्ट किया, स्टार्ट आप ही लोग किए। वो BS4 था, BS4 था, BS6। अब इसमें BS6 में क्या क्या अलग है? इसमें सब ये हाई सिस्टम है, वो फ्यूल इंजेक्टर है, सब ECM सिस्टम है इसमें। बताओ थोड़ा सा एक एक करके। ये इसका ECM है। अच्छा, ये ECM है, ये ECM है, ये कितने वोल्ट पे काम करता है? ECM 12 वोल्ट पे काम करता है। ठीक है, ये इसका ACG सिस्टम का यहाँ पे लगा हुआ है। ACG मतलब सेल्फ और स्टार्टर का, जो मैग्नेट से जो मोटर भी बन जाता है और मैग्नेट भी बन जाता है, मैग्नेट कॉइल भी, जनरेटर भी बन जाता है, मोटर भी बन जाता है, वो है इसका सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ। इसका रिले यहाँ पे दिया हुआ है, जब अगर सेल्फ, हाँ, ये इसमें स्टार्टर और चार्जिंग रिले दोनों से, ये मतलब इसमें दोनों काम, मतलब अगर कोई भी स्कूटर एक्टिवा में चार्जिंग और स्टार्ट नहीं हो रही तो एक ही रिले पे दोनों काम करता है। अच्छा। इसको चेंज करके देखना पड़ेगा। ये कितने पिन की जाती है रिले? ये वाली ये 5 पिन का, 5 पिन ये वाली ब्लैक वाली। इसमें निकाल के देखेंगे तो ये दोनों बाईपास का है, जो ये आता है बैटरी से, एक जाता है इसमें, ये यहाँ ACG सिस्टम में आता है। ठीक है, और ये किस पे होता है? चार्जिंग का ऑपरेट करने के लिए होता है। एक जब सेल्फ मारते हैं तो उस पर अटैच कर लेता है, तो जो इस पर बाईपास होके तो वो यहाँ पे चला जाता है, क्योंकि रिले को ऑपरेट करने के लिए 12 वोल्ट हमको देना है पहले। तो बिल्कुल इसमें ग्राउंड आया रहता है, जब हम इस पर जब 12 वोल्ट जब देंगे, इस पर जब 12 वोल्ट आएगा तो रिले ऑपरेट हो जाएगा। रिले ऑपरेट होगा तो इसको यहाँ से बैटरी का जो वायर आया है ये इस पर कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, फिर ये स्टार्टर काम कर देगा। जब हम सेल्फ छोड़ेंगे तो ये वापस जाके दूसरे पे अटैच कर लेगा, जो चार्जिंग वाले सिस्टम का है। अच्छा, मतलब ये ऑटो शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टार्टर प्लस चार्जिंग रिले, इसको बोलते हैं स्टार्टर चार्जिंग, ये दोनों का काम करता है। ठीक है, और ये है हमारा मेन रिले। अच्छा, जो हमारे ECM से लेके लाइट जो जितने होते हैं अप्लायंसेस का और इग्निशन सिस्टम का सारा, अगर ये रिले खराब होगा तो ECM में करंट इनपुट जाएगा ही नहीं, ECM एक्टिवेट ही नहीं होगा, क्योंकि ये मेन रिले है, ये ECM को और लाइट वगैरह सब कुछ सबको कंट्रोल करता है वो। ठीक है, तो दो रिले हो गए, मेन रिले और एक स्टार्टिंग चार्जिंग रिले। चार्जिंग रिले, ठीक है। बाकी ये इसमें 8 फीस होते हैं, सबके अलग अलग फीस, हॉर्न के अलग होते हैं, FI का अलग होता है, हेडलाइट का भी अलग होता है, और इंडिकेटर फ्लेशर का भी अलग होता है, मतलब सबका अलग अलग से सेपरेट रिले दिया हुआ है। जैसे KTM में आता है उसी तरह से इसमें है, सबका दिया है। ठीक है, इस तरह से। फ्यूल इंजेक्टर में कितना PSI प्रेशर जाता है? इसमें PSI 35 से 40 होता है। 35-40, अगर 40 रहेगा तो प्रॉपर काम करेगी, 35 आएगी तो भी स्टार्ट करेगी लेकिन काम कर सकती है, 35 से कम होगा तो मरी मरी चलेगी गाड़ी, दबी दबी चलेगी या फिर स्टार्ट भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। जब ऑन करते हैं तो पहले हमारा जो फ्यूल पंप होता है, पहले वो 2 सेकंड के लिए, हाँ, वो पहले उसको पाइप को लोड करता है, हाँ, फ्यूल से, फिर उसके बाद 2 सेकंड के बाद वो क्या करता है, उसको अपना PSI वो बढ़ा लेता है। हाँ, ये इसका फ्यूल पंप का सिस्टम होता है, जिसमें 3 फेज का जो ये होता है, 3 फेज का। हाँ, जब हम चाबी ऑन करते हैं सिंगल फेज पहले आता है,
वो फिर पाइप भरने को जो फ्यूल जो भरता है पाइप में उसके लिए आता है, तो बाकी वो उसके ऊपर 2 सेकंड के बाद तीनों फेज से वो मोटर चालू हो जाता है जो कि प्रेशर हो जाता है, वो हाई आरपीएम पे घूमती है जब प्रेशर निकलता है। एक इसमें रिवर्स का भी होता है, ठीक है, एक जब हम जब इंजन जब ऑफ करते हैं जो उसमें फ्यूल जो रहता है पाइप में ना, हाँ, वो रिवर्स हो जाता है, वापस पहुंच जाए। उसके लिए होता है, दो हमारा पीएसआई के लिए होता है, ठीक है, एक रिवर्स के लिए होता है, ठीक ये है। फ्यूल पंप का 3 फेज का पंप है, हाँ। और 2 फेज का, अगर 2 फेज का है तो उसमें एक 12 वोल्ट जाएगा ग्राउंड जाएगा, 3 फेज वाले में ग्राउंड कभी नहीं जाता, उसमें सिर्फ 2.5 से 3 वोल्टेज का तीनों में जाएगा। सिंगल फेज वाला हमारा R15 में आता है, R15 में आता है, F8 में आता है, उसमें प्लस माइनस लगा रहता है, एक प्लस जाएगा माइनस जाएगा, उसमें प्रेशर कंटिन्यूअसली रहता है क्योंकि उसमें क्या है कि टंकी रहती है ऊपर, तो जो ग्रेविटी से R15 में या उसमें FZ में टंकी रहती है फ्यूल पंप से ऊपर, तो जब चालू करते हैं तो ग्रेविटी से भी प्रेशर उसमें डायरेक्टली चला जाता है फ्यूल इंजेक्टर में, और इसमें पंप क्या बाहर निकाला हुआ है, बाहर अगल बगल में रहेगा बिल्कुल, वो नहीं प्रेशर होगा, इसलिए इसमें 3 फेज मोटर दी है। अगर ये मोटर अगर इसमें होती टैंक में तो सिंगल फेज मोटर से भी हमारा काम हो जाता, तो कंपनी ने इसलिए दी है बाहर के लिए इसका प्रेशर बने। फर्ज वाल का जो इसमें 3 पाइप होता है, एक तो हमारा बाहर होता है जो टंकी में एयर जाएगा तभी इसका पेट्रोल बाहर निकल पाएगा, बिना एयर जाए पेट्रोल ठीक से निकल नहीं पाएगा, एक इसका होता है, एक हमारा लगा होता है इसका फर्ज वाल कंट्रोल में जो यूनिट लगा होता है यहाँ पे, ये इसको इसको कंट्रोल करता है ECU। फर्ज वाल का काम ये होता है कि जब गाड़ी अगर स्लो स्पीड में रहेगी तो ये जो, क्योंकि इसका जो एयर फिल्टर है काफ़ी ब्लॉक रहता है, तो उतना एयर सक्शन के टाइम पे कर नहीं पाता, अगर स्पीड गाड़ी करेंगे तो जैसे हम रेस्ट देंगे तो उसमें क्या होता है कि इसको एक्टिवेट कर देता है परजवाल को, इसका जो एयर का जो पाइप है बाहर जो एयर जो आता है एयर लेके, इसमें परजवाल से इंटेक में चला जाता है इस पाइप के थ्रू ये चला जाता है, और परजवाल का भी खराब होगा तो गाड़ी 2 किलोमीटर के बाद झटके देगी या तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी, यही दिक्कत होती है परजवाल में। और ये इसका है ऑटो चोक, जब गाड़ी ठंडा रहता है तो इसको ऑटो चोक चालू कर देता है, जब भी हम इसको सोलेनोइड बोलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो पहले चोक लग के स्टार्ट होगी गाड़ी ठंडे टाइम पे, जब सर्दियों के टाइम पे रहती है गाड़ी, जैसे नॉर्मल गाड़ी आती थी पहले तो उसमें गाड़ी स्टार्ट लो चोक खींचते थे हाथ वाली, वो मैनुअल था, वो मैनुअल तो इसमें अभी ऑटोमेटिक कर दिया है, गाड़ी गर्म है, अगर आपने गाड़ी 50 किलोमीटर चलाई है स्कूटी को बंद कर देंगे स्टार्ट करेंगे तो विदाउट चोक के स्टार्ट होगी और गाड़ी पूरी रात खड़ी है सुबह करोगे 35 से 40 डिग्री अगर गाड़ी होगा तभी ऑटो चोक नहीं लगा, 35 के नीचे अगर कम डिग्री होगा ऑटो चोक लगा देता है, 35 कब होगा जब गाड़ी चल के रहेगी, इसका सिग्नल वो लेता है टेम्परेचर सेंसर से, इसी उसका कमांड ले लेता है कि कितना उसका डिग्री, टेम्परेचर सेंसर लगता है हेड पर, वो हेड पे लगा होता है, और इसका ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पे एग्जॉस्ट साइड लगा होता है जो है इसमें है, जो नीचे वाला जो सेंसर है 3 कंबाइन होते हैं, मैप और TPS IAT, TPS टोटल पोजीशन, मैप मैनिफोल्ड एब्जॉर्प्शन प्रेशर, एयर का प्रेशर जो होता है, और जो IAT होता है इंटेक एयर टेम्परेचर, इसमें 3 कंबाइन होता है, ये ऑटो चोक है, बस टोटल बॉडी का सेंसर सारे हैं, ये इसका ये फ्यूल इंजेक्टर ये है, फ्यूल इंजेक्टर में 12 वोल्ट का करंट रहता है कि ECU से इसको सिग्नल मिलता है, ECU इसको नेगेटिव देता है तो ये अपना काम करता है, और उसको क्यों कितना छिड़काव करना है वो इसको ECU कमांड करता है, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें BS6 में सिर्फ हम लोगों ने सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक अलग किया है, मैकेनिकली सब कुछ वही है, वही इंटेक वाल्व है, वही एग्जॉस्ट वाल्व है, वही सारी चीज़ें, लेकिन जब तक ये BS6 आपको नहीं समझ में आएंगी जब तक आपको कुछ भी काम नहीं होने वाला, ना मैकेनिक बनने वाला है। तो ये सब लोग बैठे हैं, 5 लोग हैं। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो कि BS6 में ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं।